मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मैं आशिक तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। Now, dear viewers, today my contents reports are Anand Bakshi, Indian's great poets, all songs, all poetry, giving you information data. Please first of all subscribe, likes my YouTube channels. आज दोस्तों आज आपका सबका स्वागत है और आज के कार्यक्रम में हम आपको आनंद बख्शी इज अ ग्रेट पोएट्स इंडियंस ऑल सॉन्ग्स विच हिंदी सॉन्ग्स उनकी इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन अब उनकी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखें। तो उसके लिए जो है किशोरदा ने भी कई गीत गाए हैं, तो हम उसका एक गीत जो है हम साथ साथ चुनाते जाएंगे, जिसमें रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। दी सॉन्ग्स रिटन आनंद बख्शी, आनंद बख्शी गिविंग टू इन्फॉर्मेशन। आनंद बख्शी ये एक बहुत बड़े महानायक और बहुत बड़े बड़े पोइट्स थे। आनंद बख्शी जो किशोरदा ने एक उसके गीत गाए थे मुझे याद पड़ते हैं, जिसमें दे जलते हैं फूल खिलते हैं, दे जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दोस्त मिलते हैं, दे जलते हैं। रिटर्न्स टू किशोरदा की आवाज। लेकिन हम आपको चाहते हैं इस महानायक गीत संगीत लेखक जिन्होंने इसकी जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं, तो वीडियो मुकम्मल देखें। तो चले आज हम शुरू करते हैं। आनंद बख्शी जो है 21 जुलाई 1930 को वो रावलपिंडी इन पाकिस्तान में, क्योंकि ये हिंदुस्तान उस वक्त सब कॉन्टिनेंट and this was division to different peoples, बहुत से लोगों को बहुत सी जो है बड़े मुश्किल, क्योंकि कई इनको मुश्किल से गुजरना पड़ा। लेकिन रावलपिंडी से फिर वो जो है उनकी जो परिवार थे उनका जो सिलसिला है वो कश्मीर से, देयर इज पेरेंट्स बिलोंग टू कश्मीर, उनके जो बुजुर्ग लोग थे वो कश्मीर से, और उनकी जो फैमिली का वो बहुत बड़ा डिटेल है। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये शायर जो है वो कहते हैं कि छोटे से थे, जो जिसमें आनंद बख्शी जो है रावलपिंडी से फिर इंडिया में यहाँ पे मुंतकिल होते हैं, और ये छोटे से कहते हैं कि 5 साल की उम्र में, बरस की उम्र में हिंदुस्तान आए। लेकिन उसको जो है लेखक और जो कविता बहुत पसंद थी, और उसकी कारण उन्होंने जो है कई और उनके गीत जो उन्होंने लिखे। लेकिन यहाँ पे उसको कविता शायर, और वो कहते हैं कि पहले इससे पहले कि वो नेवी में रहे कहीं आर्मी, लेकिन उस पर कोई इल्ज़ाम में उनको निकाला गया, और उसमें जो है वो कई और जो थे वो उसके साथ दफन हुए। लेकिन ये उनके हाँ ये बचता रहा। लेकिन इनके और गीत संगीत भी उनके रहे, जिसमें उनके बोल जिसमें अमर प्रेम, और उनकी कई जो है उनके बीत जो कई भाषाएं हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको जो उनकी आनंद बख्शी के मुतालिक बताता है, जिसमें उन्हें कई कारण पे
उदित पे गीत गाए जिसमें उदित नारायण के लिए और कई गीत उन्होंने गाए, लेकिन 2002 तक वो जो है रहे, लेकिन 73 साल की उम्र तक वो रहे और उनकी एज और वो कई भाषाओं में गीत लिख चुके हैं जिसमें कई गीत उनमें मेरी मैं शायर बदनाम, ये राजेश खन्ना पे ये जो सॉन्ग है वो राजेश खन्ना की फिल्म में है जिसमें शोरदा ने गाया जो गाना किस तरह है, इसके गीत को हम थोड़ा बोलते हैं। मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम, मैं चला ओ मैं चला, ये एक बहुत बड़े जो है वो उसमें पतंग उड़ाते हैं और वो एक बहुत बड़े मन की दुनिया का एक ये फिल्म है। इसको फिल्म को आप जरूर देखें राजेश खन्ना की, लेकिन हम आपको जाते हैं यहाँ पे जानकारी के लिए जिसमें एक और उनका गीत है जो अनंत बख्शी ने हिंदी मुखड़ा में उनके जो कई और कारण हैं, लेकिन याद रहे कि अनंत बख्शी उसके अलावा जो है ये कई उनके गीत जो 1965 में इसकी गीतों को सराहा गया, लेकिन इसके गीत कुमार सानू पे भी हैं और कई और गीत संगीत में हैं जिसमें उनका एक गीत अब उनको चांद का महबूब, उनकी कई बोल हैं जिसमें जब दिल हुआ दीवाना, किशोरदा के गाना जिसमें बहुत मशहूर हुआ, समा है सुहाना किसी को किसी की खबर कहाँ है, हर दिल में देखो तो मोहब्बत जवां है। एक उसका गीत है, एक था दीवाना एक थी दीवानी, बातरत में उनकी दीवाना लिखा उनका एक गीत रहा, लेकिन उनके कई गीत के कारण जिसमें उन्होंने गाए हैं, लेकिन हम आपको उसको बड़े गीत लिखा में हम उसके गीत को थोड़ा बहुत चुनाते हैं जिसमें पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, उसकी और गीत हैं बाहर से अंदर आना, बाहर से अंदर अंदर से बाहर ना आए, ये अंदर बख्शी के जो गीत रहा, लेकिन उनकी जो और कई गीत हैं जिसमें सोचो ये मेरे बारे में, राजेश खन्ना पे उनकी गीत जो बहुत जो उदास सर फिर शाम की उदासी में जो उसका गीत राजेश खन्ना की, क्योंकि वो सुपर स्टार थे जो 1969 से 1975 तक जो उनकी गीत संगीत की जानकारी में 15 गीत उन्होंने दी, लेकिन किशोरदा की आवाज़ उस पर बहुत फिट रही जिसमें गीत है गोरे रंग पे ना इतना गुमान ना कर, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा, जिसमें अमिताभ बच्चन को उनके गीत रहा जिसमें एक बहुत बड़ा कारण जिसमें ला 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 उमरी हूँ, जिसमें किशोरदा ने यहाँ पे एक और जमाने एक और भाषा के गीत है जिसमें उनके साथ गीत रहा जिसमें बहुत अच्छा रहा जिसमें उमरियो गीत जो है दिस वॉज अ वेरी फेमस, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, ये मोहब्बत है या जवानी, ला 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 ला, इसमें एक और भाषा को यहाँ पे लिया गया, लेकिन अमर प्रेम में और कई उसके गीत हैं जिसमें उनके और कई गीत हैं जिसमें और कई लेखक है, प्यार करने वाले करते हैं
शान सजीते हैं। ये उनका गीत रहा। उनका और गीत हैं जिसमें कई बढ़िया लेखक में जब में सनी की फिल्म में एक गीत मुझे याद रहता है जिसमें बहुत अच्छा गीत है जो हम इन्होंने लिखा है आनंद बख्शी का जो लिखा हुआ गीत है, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जवां होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। दी सॉन्ग्स रिटन अनंत बख्शी। लेकिन अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म जो उसके बाद आती है 19 में जिसमें खुदा गवाह फिल्म है जिसमें खुदा गवाह जो अजीज की आवाज़ में, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। जिसमें उनकी कहीं अलका की आवाज़ भी उसमें गूंजती है। लेकिन हम आपको यहाँ पे इसकी जानकारी के लिए हम आपको थोड़ा सा गीत और मैं शायर बदनाम लो में चला, जिसमें एक और गीत है जो प्यार दिया, उनका एक और गीत है जिसमें जहां यार, उनके और कई गीत हैं जिसमें किशोरदा की आवाज़ में। और हम आपको और उनकी जानकारी के लिए ले जाते हैं जिसमें उनका गीत है रफ़ी के लिए भी उनके आनंद बख्शी ने गाए हैं। और एक और गीत जो हमने शुरू में गाया था जिसका है मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई, मैं शायर तो नहीं मैं आशिक तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिके आ गई। उनके बाद उनकी आवाज़ में जो ये ऋषि कपूर की फिल्म का अब गाना है जिसमें गीत संगीत रहा, लेकिन ये बहुत सुपरहिट सॉन्ग रहा जिसमें बहुत बड़ी आवाज़ है। लेकिन हम इसकी बहुत बड़ी धर्मेंद्र की एक फिल्म थी जिसमें रफ़ी की आवाज़ में एक गीत रहा, ओ मेरी महबूबा 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 महबूबा, ओ मेरी महबूबा तेरी जाना है तो जा मेरी मर्जी मेरा क्या, ओ मेरी महबूबा महबूबा, ओ मेरी महबूबा महबूबा, ओ मेरी महबूबा महबूबा तेरे जाना है तो जा मेरी मर्जी मेरा क्या, ओ मेरी महबूबा महबूबा। दीज सॉन्ग्स आर रिटन अनंत बख्शी एंड हाउ अदर फिल्म्स धर्मेंद्र के साथ अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म आती है जिसमें शोले फिल्म्स है जो उसमें बहुत सुपरहिट रही, लेकिन सिनेमा हिंदी सिनेमा पर बहुत उसकी माइनाज फिल्म रही। लेकिन यहाँ पे हम इसकी घटनाएं में एक छोटा सा गीत हमको याद होता है, महबूबा महबूबा गुलशन में महबूबा 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 गुलशन में, ये उनका गीत इस तरह गालिब मरा। लेकिन ये गीत भी बहुत सुपरहिट रहा। लेकिन हम उसके जिसमें एक गीत है, एक तो मौसम है सुहाना, एक तो मौसम है सुहाना, ऊपर से दिल है दीवाना। ये गीत उनका रहा जो बहुत बड़ी लेखक के लिए उनकी कारण। और उसके अलावा उनके कई और गीत रहे जिसमें रफ़ी का मैंने तुझसे मोहब्बत की है गुलामी नहीं की, मैंने तुझसे मोहब्बत की है, जिसमें एक और उनके गीत जो आमिर खान खान हीरो पे उसकी कई गीत रहे। लेकिन हम उसकी एक और गीत जो रहता है, चांद सी महबूबा मैंने सोचा, चांद सी महबूबा
लॉर्ड्स देर इज फ्रेम्स और उनकी जो भाषा में कई उनकी भाषाओं में उनके गीत संगीत रहे हैं जिसमें आमिर खान सिरों पर, लेकिन आनंद बख्शी ने कई अवार्ड भी लिए। जब आपको चलते हैं उनकी जानकारी के लिए, उनके तकरीबन कई जो है 40,000 के लगभग उनकी भाषाओं के उनके गीत रहे, लेकिन 50 की दहाई में उनको जो है कई कहते हैं 550 फिल्मों में उनके गीत दिए। आनंद बख्शी ने 550 फिल्मों में गीत दिए, लेकिन उनके यहाँ जो इमोशंस एंड फिल्म के कई गीत हैं, लेकिन उनके गीत में उनकी जानकारी के लिए अब हमको बताता है कि उनका 4 बार उन्होंने अवार्ड्स लिए, लेकिन उनको जो है कई 40 दशक में 40 बार उनको अवार्ड भी दिए गए, लेकिन 4 बार उनको नेशनल कई अवार्ड्स उनको दिए गए। लेकिन इट्स कहते हैं कि जावेद अख्तर के उनके जो और जो शायर थे, अगर उनका गीत कोई और शायर लिखता तो वो 8 दिन लगाते, 8 से 8 दिन लगाते वो गीत लिखने, लेकिन आनंद बख्शी ऐसे शायर थे जिसको समा को देखकर वो 8 मिनट में जो 8 सेकेंड के अंदर वो गीत को लिख देते थे। ये ग्रेट राइटर्स पोइट्स, वो जो है पोइट्री को बहुत अच्छा समझते थे, हिंदी गीत संगीत को बहुत लिखक थे और बड़े लेखक और मायनास और महानायक्स थे। तो उनके कारण हम आपको एक और उनकी जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं कि उनके गीत जो है कुमार शानू पे भी रहे, लेकिन 4 अवार्ड्स लेकर जो है और लेकिन याद रहे कि उनके गीत जिनमें रोमेंस है एक्शन सिरों पे उनकी रहे 1970 to 2000 तक जो खान सिरों पे उनकी जो रोमेंस सॉन्ग है, रोमेंस इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी गुड राइटिंग्स। उनकी जो इमोशंस में जो गीत को लिखते हैं वो किस तरह वो गीत को लिखते हैं, उनके गीत अब आपको सुनाते हैं। जैसे कि रहना बीत जाए शाम नाए, रहना बीत जाए शाम नाए। किशोर दा ने उसका गीत जो रहा जी, मल्टी टैलेंटेड सिंगर जिसका रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, ये याद रहे कि ये राजेश खन्ना फर्स्ट सुपरस्टार्स अमिताभ बच्चन का वो दौर है जिसमें 70-80 का दौर जिसमें वो गीत है, रूप तेरा मस्ताना यार मेरा प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। उनके एक और गीत जो बड़ा हाई पिच का गीत उनका मुझे याद पड़ता है जिसमें है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जिसमें उनका जिसमें ये किशोर दा की आवाज़ में मेरे ख्याल में गीत है, जिसमें एक और गीत मैं शायर तो नहीं, एक और गीत है जिसमें ये शाम मस्तानी, किशोर दा ने इसको गाया है जिसमें ये शाम मस्तानी दिए जा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। किशोर दा पे उसके और गीत जो आनंद बख्शी के हैं आज के करेक्टर में बड़े माइनाइस पोइट्स आनंद बख्शी इंडियन ग्रेट्स राइटर, जस्ट लाइक टू गोरा कागज था ये मन मेरा, गोरा कागज था ये मन मेरा। याद रहे कि उनके कई और गीत हैं जिसमें 2001 में उनकी गीत उनकी वर्ष में उनकी एक और गीत रहे जिसमें सागर से दरिया, दरिया से सागर, ये राजेश खन्ना पे एक गीत इनका रहा जो बहुत है, इसको जरूर सुने, यूट्यूब पे आप जरूर इसको गीत को सुने। हम आपको जानकारी के लिए कोर्ट के मुतालिक हम थोड़ा बहुत बताता है, लेकिन इसको 4 बार अवार्ड मिला और इसको कुमार शानू के गीत पे भी 40,000 इसको अवार्ड में नवाजा गया, लेकिन 4 बार इसको नेशनल अवार्ड, लेकिन आखिरकार 99 में उनके कारण उनको
एक और गीत जो उसका नाम बाल के इश्क जीना क्या, इस तरह गीत था जिसमें उनको गीत में 99 का गीत या आखिरी उनका गीत रहा, लेकिन उनकी जिसमें 30 मार्च 2002 को जो है गालिबन उनकी डेथ होती है। तो अनंत बख्शी के मतलब जो गीत संगीत थे अब उन सब ने आपको सुनाए, लेकिन राजेश खन्ना पे जो उसका गीत जो है बहुत अच्छा रहा, जो बहुत बड़े लेखक में राजेश खन्ना पे अमिताभ बच्चन पे उसकी आवाज़ को बहुत जो है रहा, जिसमें उनका रफ़ी की आवाज़ में भी आपको हमने गीत संगीत उनकी जानकारी सुनाई। और उनके बड़ी लेखक थे जिसमें इन्होंने सागर से दरिया, दरिया से सागर, जिसमें इनके गीत आराधना और कई फिल्में इसके गीत हैं। आराधना की फिल्म गीत मुझे याद पड़ते जिसमें इन्होंने लिखे, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये गीत जो उनके कारण उन्होंने आराधना फिल्म 1969, दिस वाज अ वेरी फेमस किशोरदा एंड द कपल्स राजेश खन्ना, ऑफकोर्स कम टू जंजीर फिल्म्स अमिताभ बच्चन एंड डिफरेंट सॉन्ग, बट किशोरदा की आवाज़ में इसके कई गीत आप देख सकते हैं। आराधना फिल्म को जरूर यूट्यूब चैनल पे लिखें, लेकिन इनको कोर्स गीत जो उनके कई ग्रेट लेखक रहे, लेकिन आप लोग अब उनका चैनल जरूर सब्सक्राइब, और गीत संगीत रहते हैं, लेकिन आखिर में एक आपको गीत छोटा सा सुनाते हैं। और अब उनका चैनल जरूर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मेरा चैनल को जरूर शेयर करें यहाँ पे इसके वीडियो को, जिसमें हम इंदी गीत संगीत आपको सुनाता है। जैसे गीत है मैं जो बहुत अच्छा पसंद करता हूँ, जिसमें कई इसके और गीत भी रहते हैं, लेकिन चलें आज आपको एक गीत सुनाते हैं जिसमें मैं शायर तो नहीं देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई, मैं शायर तो नहीं मगर जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। अब उनके पास जितनी जानकारी थी, अब उनसे गलती हो आपको खता माफ़ करें, टू ईयर इज वोमेंस बट आई ट्राई टू बेस्ट टू इंडियन गीत संगीत डिफरेंट पोइट्स, सब्सक्राइब लाइक एंड टीच मी एंड थैंक फॉर वॉचिंग, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें और जरूर सब्सक्राइब करें। मैं शायर तो नहीं मगर जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी।